कृपामयत्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हे श्री सनातन प्रभु करुणां निरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकय हे भट्टयुग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव विपुरुत मन्दमतीर्थयाङ्गधरा तमालिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सृजदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भाग्यवतं स्वरूपं जनन प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आयुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुं स्तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदिरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्त वृंद सबे पर हाथ लगाओ बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रह्मिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्रिला ब्रह्मिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज नित्रिला ब्रह्मिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्रीला भारती गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा मृतम की महात्म्य को। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर किसी ग्रंथ की महिमा को समझना चाहते हैं कहते चार दृष्टिकोण से वो ग्रंथ की महिमा को समझनी चाहिए। पहले पहला नंबर है ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे वही कथा सुन सकते हैं बहु नाम जन्म नाम आते बल एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर का अगर कोई पुण्य उदय हो सुकृति हो तभी ये कथा कोई सुन सकता है नहीं तो सब नहीं सुन सकते। अगर कोई बोले भैया हम तो इतने पुण्य किए नहीं हम तो बहुत बड़े पापी हैं फिर क्या ये कथा नहीं सुन सकते हैं तो वो कहते हैं इसलिए पद्म पुराण में बताया बोले आप ये धुंधुकारी जैसे इतने बड़े पापी नहीं हो सकते। जिसने घर में छह छह वैश्या को बुला कर रखा जिसने पिताजी को ऐसे मारा मैया को ऐसे पिटाई की जहां पर पिता घर छोड़ करके चले जाते हैं मैया आत्महत्या करती है फिर ऐसे कोई गंदा काम नहीं जिसने ये काम नहीं किया लास्ट में उसको घर में गड्ढे खोद करके गाड़ दी और चली गई वैश्या फिर ये बन गया प्रेम जिसका नाम पर गया मैं पिंड देने पर भी उसकी मुक्ति नहीं मिली लेकिन मुक्ति मिली कैसे जब उन्होंने ये भागवत कथा को श्रवण किए। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर हम बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो अगर एक बार केवल ये भागवत कथा में आकर बैठ गए केवल एक बार बैठ जाओ भागवत कथा में ये पापी से पापी को भी ये भगवत प्राप्ति करा देते हैं भगवत चरण की प्रेम और भक्ति दिला देते हैं
इतने महिमा ये भागवत कथा की। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं, अरे ये सुनी सुनाई कथा को कितना बार सुनेंगे, वही हर होती रहती है कथा, टीवी पे भी देखते ही जहां जाओ भागवत कथा भागवत कथा, अरे हमने बहुत सुन रखी हम सब जानते हैं। इसमें उदाहरण देते हैं, आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े विद्वान नहीं हो, जिसने मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे और जन्म होते ही जिन्होंने संन्यास लेकर के चले गए और संपूर्ण ब्रह्म में जो डूबे हुए वाले व्यक्ति थे, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी, लेकिन जब इनकी कहानियों में भागवत का केवल एक श्लोक इनको कान में पड़ गया, उनको पागल बना दिया और उन्होंने सारे ब्रह्म ध्यान को सारे ब्रह्म ज्ञान को धिकार दे करके उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किए। इसका मतलब है अगर हम बड़े से बड़े ज्ञानी क्यों नहीं हो तभी ये कथा को हम सोच सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बले राम कथा जय सोना ता अघाई, राम कथा जय सोना ता अघाई, कृष्णा कथा जय सोना ता अघाई, कृष्णा कथा जय सोना सुनता बधाई। अगर कोई बोले हम तो कथा सुनते सुनते हम तो दूर हो गए, गोस्वामी जी कहते हैं बोले रस विशेष जानत दिन नाही, उसका रस के बारे में कुछ पता नहीं, एक टाइम में अगर रोटी नहीं मिले ना, एक टाइम हाय रोटी दिन भर रोटी का मुंह नहीं देखते, क्या रोटी में इतना रस हो गया, भगवान कथा में इतने रस नहीं। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले तुंडे तांडव निमित्त विकलते तुंडा बलि लब्धय करना त्रणो कर्म निहटयते करना बुधेव स्प्रिय चेत प्रांगण संगिनि रचयते सर्वे इन्द्रियाणां कृते नो जानि जमित किम अद्भुत कृष्ण इति वर्णतो। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, भगवान की जो कृष्ण ये जो दो अक्षर में कितने रस भगवान ने भर दिए, जब करने में प्रवेश करता है ऐसे लगता है ब्रह्मा जी दो ही कहानी क्यों दे दिए, वो करोड़ों करोड़ कहानी क्यों नहीं दिए। इसलिए पृथ्वी महाराज जी को जो भगवान ने बोले वर मांगो, बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दे दो, बोले 10,000 का या दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ दो कान 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 अच्छी लगेगी तुम्हें, कि तुम 10,000 कान क्यों चाहते हो, बोले नहीं 10,000 कान नहीं, कान तो दो ही हो लेकिन ये दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने का इतने ताकत दे दो जैसे 10,000 कानों में कथा सुनने में जितने शक्ति लगे। दूसरा तात्पर्य कहते हैं जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी, जहां जहां ये कथा होती है मैं वहां वहां उतना स्वरूप को धारण करते हुए सब जगह की कथा सुनते रहूं, कहीं की कथा जिसे कोई चुग दी जाए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडव निमित्त विकलुते, जब ये जिह्वा पर ये कृष्ण नाम उदय होता है वो जीवा ऐसे थिरकने लगती है ऐसे नाचने लगती है, बोले ब्रह्मा जी एक ही जीवा क्यों दे दिए, अद्भुत खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिए। जब ये कृष्ण नाम हृदय में प्रवेश करता है लगता है पता नहीं कौन सा रस की धारा बह रही है। इसलिए कहते जो कृष्ण कथा में
जो सुन करके कहते हैं हम तो अधाई, मतलब हम तो बोर हो गए, कर समझो भैया उसको रस बार तो बार पता नहीं, इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं। कहते एक पापी से पापी क्यों नहीं हो, उसको भी ये भागवत कथा भगवत भक्ति प्रदान करती है, और एक ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, ये भगवत कथा उन्हें भी आनंद प्रदान करते हैं। बोले कथा सुनने का सबकी अधिकार है, सब कथा सुन सकते हैं। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कहते ये भागवत में विषय क्या है, बोले कोई छोटी मोटी विषय नहीं। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधो वर्गीन जागल्पिता। कहते भागवत में कोई छोटे मोटे विषय नहीं है, बड़ी हाई फाई विषय है। बोले श्री ब्रजेंद्र नंदन जो श्याम सुंदर जो कृष्ण है भागवत में उन्हीं की कथा है। और बोले कौन सा रास्ता दिखाए, बोले ब्रजवधु वर्गीन जागल्पिता, भागवत में साधारण विषय नहीं, ब्रज गोपियों ने जो मार्ग दिखाया, जिस प्रेम को उद्धव जैसे व्यक्ति, श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं भक्ति पांच तरह का भक्त है, पहला नंबर ज्ञानी भक्त, दूसरा है शुद्ध भक्त, तीसरा है प्रेम भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर, ये पांच तरह का भक्त है। जो सर्वश्रेष्ठ भक्त बताया ये प्रेमातुर, ये कौन है, बोले श्री उद्धव जी। ये भक्त की भक्त का अंतिम छोर है, इनको ऊपर और कोई भक्त हो ही नहीं सकते हैं, जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं हे उद्धव न तथा मैं प्रियतम आत्मा ज्वलिर न शंकर, तू मेरे जितने प्रिय हो मेरे पुत्र ब्रह्मा भी मेरा इतना प्रिय नहीं। बोले ब्रह्मा की बात छोड़ दो, जो हरि हरे एकात्मा स्वयं शंकर जी वो भी मेरा इतना प्रिय नहीं। बोले शंकर की बात ही छोड़ दो, मेरी जो प्राण प्यारी जो लक्ष्मी, जो मेरी बक्ष स्थल में बैठने वाली लक्ष्मी वो भी मेरी इतने प्रिया नहीं, बल्कि इनकी बात छोड़ दो मेरे अभिन्न स्वरूप श्री दाऊ भैया भी इतना प्रिय नहीं, बल्कि इनकी बात ही छोड़ो। कृष्ण कहते मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं उद्धव, तू मेरे जितने प्रिय हो, ये भक्तों का अंतिम छोर, इनको ऊपर और भी भक्त है नहीं। लेकिन ये उद्धव जब ब्रज में आते हैं, जब उन्होंने ब्रजवासियों को प्रेम देखा, फिर उन्होंने नंद बाबा का प्रेम देखा, जब उन्होंने गोपियों की प्रेम देखा, जब फिर उन्होंने श्री राधा रानी की प्रेम को देखा, बोले उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुगडुगी और बाजे प्रेम की। जहां पर उद्धव जैसे व्यक्ति भी जिनकी प्रेम देख करके कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याल वृंदावन की मी गुलना। जहां पर उद्धव जी कहते क्या ऐसे मेरी सौभाग्य होएगी, बोले कौन सा सौभाग्य चाहते हो, बोले ब्रज में उन्होंने तीन चीज बनने के लिए प्रार्थना की, बोले ब्रज का घास बन जा। बोले घास क्यों बनना चाहते हो, बोले गोपियां जब श्याम सुंदर से मिलने जाएगी चल कर तो जाना ही पड़ेगा उनको, जब घास बने रहूंगा तो उनके चरण की हमें धूल मिल जाएगी। बोले तुम लता क्यों बनना चाहते हो, बोले ठाकुर जी जब प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे दे, जब वो अपना प्रेममय लीला जब कुंजो कुंजो में करेंगे, अगर हम लता बता बन करके रहेंगे तो दर्शन हो जाएगा। बोले ये औषधि वृक्ष प्रार्थना करते हैं, बोले औषधि क्यों बनना चाहते हो, बोले कभी बुखार बुखार हो अगर कभी दवा लेंगे, अगर वहां दवा बन कर रहेगा औषधि वृक्ष कम से कम उनके हृदय में तो जा सकता। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणु अभिस्नक्ष, जिसने राधा रानी के चरण की एक धूल को उन्होंने वंदना किया है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले भागवत में विषय क्या है, बोले भैया भागवत में कोई छोटे मोटे विषय नहीं, वो बड़ी हाई फाई विषय है। बोले किसका मतवाद है, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदम तत्राधर नापर, ये श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का ये मत है, केवल इसी मत को ही स्वीकार करनी चाहिए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि
हरि हरि बोल। कभी ये विषय कभी तीसरा विषय क्या है, कभी ये कथा सुने तो सुने कहां से। तब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जाहो भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर सक तबे तो बुझी में तुम्हें सिद्धांत कर। अगर भक्ति रस समुद्र में गोता लगाना चाहते हो बोले जहां तक भागवत मत सुना करो, उन्होंने मना किया है। बोले कथा कहां से सुने, बोले अवैष्णव मुखत गिरणम पुतम हरि कथा मृतम श्रवण एव नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्ट तथापि। पद्म पुराण में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, कथा केवल वैष्णव से ही सुनो। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, ये कान रूपी जो दौरा है ना, सब समझ दिया कर गड़बड़ी है। जिनकी संबंध ज्ञान है नहीं, जो स्वयं पंडित जी कथा सुनेंगे, जिसका बुद्धि स्वयं भ्रमित है, बुद्धि स्वयं स्थिर नहीं, इधर इधर उधर उधर देवा देवियों को पूजा करते हैं, जिसका संबंध ज्ञान जिसके पक्का नहीं, अगर उनसे कथा सुनोगे ना फिर क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि वो स्वयं भ्रमित है। पर हमारी बुद्धि को ठीक करके दिया, इसलिए कहते भैया ये कान रूपी दोना जिसको जिसको मत दिया करो, सावधान होकर सुनो। किससे सुननी चाहिए, बोले वैष्णव से सुननी चाहिए, सबसे नहीं सुननी चाहिए। बोले क्यों, तो उन्होंने बढ़िया उदाहरण दिया, जैसे दूध है, दूध पिए तो क्या होता है, तुष्टि पुष्टि खुदा ने प्रीति सर्जी ने ताकत आती है। वही दूध को अगर सांप ने मुंह मार दिया तो वो देखने के लिए लगेगा तो दूध है, लेकिन उसे पियो तो संपूर्ण मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं भागवत कहाँ पढ़नी चाहिए, केवल वैष्णव से। उन्होंने उदाहरण दिया विश्वनाथ चक्र ठाकुर, जैसे समुद्र मंथन हुई, उससे बीज भी निकला और उसमें अमृत भी निकला, दोनों चीज निकली है। इसलिए ये भागवत कथा रूपी जो समुद्र से, उससे बीज भी निकलता है और उसमें अमृत भी निकलती है। बोले अमृत कब निकलेगा, बोले जब तुम वैष्णव की मुखार बिंद से सुनोगे फिर तो तुम्हें अमृत मिलेगा। अगर अवैष्णव से सुनोगे पूरा जहरी जहरी निकलेगा उससे, जहरी जहरी निकलेगा। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बोले भैया तुम वैष्णव से सुनोगे, बोले कौन सा वैष्णव, बोले चार ही वैष्णव संप्रदाय है, किससे भी सुन सकते हो, किससे भी सुन सकते हो, मिलेगा तो कैसे है। लेकिन अगर श्री महाप्रभु का लाहिरी में जो आए भक्त है, अगर उनसे ये कथा सुनोगे तो बोले तबे तो बुझी में तुम भी सिद्धांत करेंगे, फिर तो सिद्धांत की जो रस तरंग है केवल महाप्रभु की धारा से ही तुमको ये मिल सकती है। इसलिए इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सब दृष्टिकोण से देखो श्रीमद भागवत कथा की परम महिमा, परम महिमा है। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल। कल हम लोगों ने जो कथा सुनी थी, यदि ये पद्म पुराण की कथा सुनी थी, लेकिन ये कथा की महात्म्य दो पुराण में आती है, एक स्कंद पुराण और एक पद्म पुराण। आज हम लोग स्कंद पुराण की थोड़ी सी कथा सुन लेते हैं कि जिस समय कृष्ण ये संसार छोड़ कर गए, जब अर्जुन वहां से वापस आया, उन्होंने खबर सुनाई, मैया कुंती वहीं पर थी, वो कुंती वो कथा सुनते ही उसकी जो हृदय है वो कृष्णगत हृदय प्राण था। कुंती ने उसी समय में ही शरीर को त्याग दे दी। पांडव ने जब देखा कृष्ण ही दुनिया छोड़ करके चले गए, पर ये शरीर रख करके क्या लाभ है। पांडव ही श्री बज्रनाभ को वृंदावन के राजा बनाए, श्री परीक्षित महाराज को इंद्रप्रस्थ पर बैठाए, वो पंच पांडव भी महापुराण में वो भी चले गए। एक दिन श्री परीक्षित महाराज ये बज्रनाभ से मिलने के लिए वृंदावन में आए। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना, बोले सब तो कुशल मंगल है, लेकिन मेरा जो मन है ना यह लग ही नहीं रहा है। बोले क्यों, बोले ब्रज में कोई है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण जब ये दुनिया छोड़ कर गए, कहते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहब करी। जब भगवान इस जगत में आते ही
और धाम और पूरा परिक्रमा को लेकर के आते हैं। जब ये दुनिया छोड़ करके जाते हैं, संपूर्ण अपना परिकर लेकर के प्रभु अपना धाम में चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण जब ये संसार से गए, संपूर्ण ये संसार को लेकर के चले गए। अब रामलीला आप लोग देखे होंगे, जब भगवान राम ये दुनिया छोड़ रहे थे, सारा दुनिया को प्रभु राम लेकर गए, केवल एक हनुमान जी को उन्होंने यहाँ पर वो छोड़ करके जाते हैं। भले मेरे को तो सुनी सुनी लग रहा है, वृंदावन में कोई है ही नहीं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ब्रज के जितने तिम गुल्म लोस्तर जितने वहां पर कीड़े मकोड़े, वो कोई साधारण नहीं, ये सब के सब कृष्ण लीला में ये मदद करने वाले, ये सब के सब। इसलिए कृष्ण सब के सब लेकर चले गए, कोई तो ब्रज में है ही नहीं है ब्रज में। इसलिए मेरे मन उदास है, लेकिन परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण तो एक स्वरूप से गए, लेकिन और एक स्वरूप में अभी पूर्ण रूप में है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं ये वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कई बार नहीं जाता। लेकिन ये रहस्य किसको पता, बोले सांडिल्य, उनको जो पुरोहित थे, उन्होंने सांडिल्य ऋषि रूप लाए, बोले आप थोड़ी सी कृपा करके ये वृंदावन कितना महिमा बताओ। तब सांडिल्य ने कहा, देखो भगवान की लीला दो तरह का है, एक है व्यवहारिक लीला और एक वास्तविक लीला है। व्यवहारिक रूप में देखो जैसे कृष्ण ये संसार छोड़कर चले गए, लेकिन वास्तव रूप में देखो कृष्ण कहीं भी नहीं गए छोड़कर, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है। हम लोग वृंदावन में गए हो, कौन कौन गए, हाथ उठाओ तो, हाँ करके सबके सब गए हो। आप देखना वृंदावन में दो बने, एक निधुर वन और एक निकुंज वन, हम लोग गए होंगे जहाँ पर श्री वाकेविहार जी प्रकट होंगे, और एक स्थान है जहाँ पर स्वयं कृष्ण राधा रानी की चरण की जहाँ पर सेवा की, वहां पर दो बने। आप कभी शाम को वहां जाना, पर जब जाओ देखो वहां बहुत सारे बंदर है, लेकिन देखना शाम होते ही ये बंदर अपने आप वो जंगल से निकल जाते हैं, एक बंदर भी वो जंगल में नहीं देखो, इतने वो जंगल की महिमा है। और वहां पर दोनों मंदिर में ठाकुर जी को फूल की सज्जा लगाते हैं, ठाकुर के लिए लोटे में पानी रख लेते हैं, दांतन रख लेते हैं, लड्डू रख लेते हैं, और सवेरे जाकर के देखो वो ऐसे लगता है मानो रात को कोई आकर यहाँ विश्राम करते हुए गए। अगर कोई कभी लड्डू नहीं मिलता है, कभी दांतन पे पानी नहीं मिलती है, अगर कोई सोचे जोर जबरदस्ती हम यहाँ रुकना चाहते देखना चाहते हैं, उनका दो स्थिति होती है, नहीं तो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो पागल बन जाएगा, नहीं तो शरीर छोड़ देता है। इनकी यही दो स्थिति होती है, क्योंकि प्रभु को लीला दर्शन करने का बाद फिर ये शरीर नहीं रह जाती है, और दर्शन करते हुए बोलने के भी हिम्मत नहीं रहती है। जिन जिनियों को विश्वास नहीं है ना, अरे भगवान भगवान कौन देखा है, किसने देखा है ठाकुर जी को, वो वन में जाकर एक रात रुक कर आ जाते, फिर आपको पता चलेगा भगवान है कि नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा आपको। इसलिए अभी भी भगवान वृंदावन में पूर्ण रूप में अभी है, कहीं नहीं गए, इतने इसकी प्रमाण है। हमारी संप्रदाय में एक साधु भी है जिनका नाम था दुखी कृष्णदास, जब उन्होंने गुरु जी के शरण में आए, गुरु जी ने कहा, देखो बेटा जब तक तुम सेवा नहीं करोगे ना, तब तक मेवा नहीं मिलते जाओ। ये जो निधुवन में ठाकुर जी यहाँ रोज लीला करते हैं, तुम जाकर के निधुवन में रोज झाड़ू लगा, वो संत जाकर के रोज राधा रानी के नाम को लेकर के रोज वहां पर रो रो करके झाड़ू लगाया करते थे। अभी राधा रानी दर्शन देने के लिए बहाना बनाई, अपना चरण के नुपुर को छोड़ कर गई। जब ये संत गए घना घोर जंगल में, देखा सोने की नुपुर पड़ा हुआ, उन्होंने ला करके जीव गोस्वामी को दिया, कल से जीव गोस्वामी का तिथि है, इसलिए उन्होंने सिर्फ जीव गोस्वामी को दिए। बोले गुरु जी देखो, लेकिन जीव गोस्वामी कौन है, बोले ये कृष्ण लीला में विलास समझे गए, और नुपुर देखते ही पहचान गए कि किशोर जी की नुपुर है। बोले बेटा ये नुपुर जिसको तिसको देना नहीं, अगर कोई आए ना बोलना अपना हाथों में पहना दूंगा, बड़ी परीक्षा होगी देना नहीं। इतने में ललिता विशा का दो सखी आए, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने के लिए आई थी, कहीं चरण के नुपुर गुम हो गया, तेरे को मिला है? बोले मिला है, बोले दे दो।
बोले जिनके चरने के नूपुर वो स्वयं आए अपना हाथों से मैं पहना देना चाहता हूँ। बोले तू कैसे बाबा, तू ब्रह्मचारी है ना, ये घर की बहू है, तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? कहते अपना हाथों से पहनाओगे, अगर अच्छा चाहते हो दे दो, नहीं तो भैया आगे धुलाई करेंगे तेरी। बोले जो बोलना बोल दो, क्यों गुरु जी ने बताया ना देना नहीं, बोले जो बोलना बोल दो, हम तो तभी देंगे जब राधा स्वयं जिनके नुपुर स्वयं जब आए। राधा रानी बोली उसको बोल दो घर की बहू है, आंखों में काला पट्टी बांधे घर आएगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तब राधा रानी वहां स्वयं आती, वो संत अपना हाथों से राधा जी के चरण में नुपुर उन्होंने पहनाए, और चरण में नुपुर पहना करके राधा रानी के चरण को उन्होंने छोड़े नहीं। बोले हे राधे, जब यहाँ तक आप कृपा की हो, मेरे को पता है आप दर्शन देना चाहते हो, मेरे को अंतिम दर्शन भी। तब उन्होंने आंखों को ऊपर में काला पट्टी जब खोल दिए, तब उन्होंने राधा रानी को स्वयं उन्होंने दर्शन किया है। बोले श्रीमती राधा रानी, राधा रानी उनका और एक नया नाम भी रखा, पहले था दुखी कृष्ण दास, फिर नाम रखे श्यामानंद, फिर राधा रानी अपना चरने के नुपुर से ये जो तिलक हम लगाते हैं ना, ये तिलों को बीच में नुपुर से एक चिन्ह लगा दी। जब गुरु जी ने देखा बोले बेटा ये क्या, क्या तुमने तिलक बदला दिया है, ये नुपुर कहाँ से, चिन्ह कहाँ से आई? तब स्वयं राधा रानी उनको रात को स्वप्न देती है, बोले देख मैं स्वयं ये तिलक को बीच में मैं स्वयं ये तिलक लगाया, कुछ बोलना अपने शिष्य को। अगर वृंदावन अब जाओगे वहां पर राधा श्याम सुंदर मंदिर है ठाकुर जी की, अब देखना ठाकुर भी वो तिलक धारण करते हैं, देखना ठाकुर जी का तिलक यही से कृष्ण का, और बीच में देखोगे एक काला की बेद लगा हुआ है, क्योंकि राधा रानी अपना हाथों से उन्होंने ये तिलक धारण कराया था। हाँ ये एक जाजुल्य प्रमाण है। वृंदावन गए होंगे राधा दामोदर मंदिर में, अब गए कि राधा दामोदर मंदिर में गए हो, कौन कौन गए हो, गए हो वहां पर जो गिरिराज शिला रखा हुआ कहां से आया है? जब सनातन गोस्वामी प्रत्यह श्री गिरिराज की परिक्रमा लगाया करते थे, जब वृद्ध हो गए तब कृष्ण स्वयं बलदेव प्रभु स्वयं गिरिराज में स्वयं प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के बोले बाबा तेरे को इतने कष्ट परिश्रम करने का जरूरत नहीं, सारा जीवन तुमने गिरिराज की परिक्रमा लगाई, अभी ब्रज में रह करके भजन करो। बोले नहीं, जब तक मैं रहूंगा तब तक गिरिराज का जरूर मैं परिक्रमा लगाऊंगा। तब कृष्ण बोले ठीक है मैं तेरे को एक शिला प्रदान करता हूँ। जब कृष्ण बंसी ध्वनि की, उनका बंसी ध्वनि से गिरिराज संपूर्ण द्रवीभूत हो गया। कृष्ण अपना चरण का चिन्ह, गैया खोर का चिन्ह, बंसुरी और उनकी लकुड़ी, ये चार चिन्ह रख करके गिरिराज को प्रदान किए। बोले अगर इसको तुम चार बार परिक्रमा करोगे, ये गिरिराज परिक्रमा करने की फल मिल जाएगी। अब देखना राधा दामोदर मंदिर में 24 घंटा लोग आकर उसको परिक्रमा करते रहते हैं, 24 घंटा गिरिराज की वो परिक्रमा करते हैं। इसलिए इतने हमारे संप्रदाय में तो इतने प्रमाण है, भगवान है, अभी भी भक्तों को प्रभु दर्शन देते हैं, इतने प्रमाण है। नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए हो? हाँ आप लोग गए हो, वहां पर टेर कदम में गए हो, जहां पर श्री सनातन गोस्वामी जब छोटे भाई को पास में आए, रूप गोस्वामी को पास में, दोनों भैया बैठ करके हरि चर्चा कर रहे थे। अभी छोटे भैया के मन में इच्छा है बड़े भैया को जो खिलाऊं, बोले क्या खिलाऊं, बोले इनको खीर बहुत पसंद है, इनके मन में इच्छा हो रही थी इनको खीर खिलाए, लेकिन ये घना घोर जंगल है खीर कहां से आएगा? तब राधा रानी स्वयं छोटी सी बालिका बन करके आती है, बोले बाबा बाबा लो ये दूध लो, चीनी लो, काजू किशमिश लो, ठाकुर खीर बना कर भोग लगा देना। बोले बेटी तू चला जा हम बना देंगे। जब उनकी कथा समाप्त नहीं हो रही थी, फिर राधा रानी घूम फिर करके आई, बोले बाबा तुम लोग अपना कथा में मस्त रहो, मैं स्वयं बना देती हूँ। राधा रानी अपना हाथों से खीर बना करके जाती, बड़े देर से जिनकी कथा खत्म हुई, रूप गोस्वामी ने देखा कोई एक छोटी सी लाली आई थी, बोल रही थी मैं खीर बना कर गई हूँ, देखा सचमुच से बड़े सुंदर खीर बनाया हुआ, उन्होंने कृष्ण को भोग लगाया। जब उन्होंने भैया को खिलाया, जीवन में तो बहुत खीर खाए हैं,
लेकिन जो खीर को स्वर्ग राधारानी बनाई, अब समझो उसमें कितने स्वाद नहीं होगा। जब वो खीर को खाए, उनके तो रोम रोम खिली उठा, प्रेम में हृदय गदगद हो गया, आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लग गई। उन्होंने कहा, बोले रूप तुमने मन में कोई इच्छा की थी? बोले हाँ, आप तो बड़े दिनों में आए हो, मैं सोच रहा था आपके लिए थोड़ा खीर खिलाऊं। बोले देख रूप, ये घनाघोर जंगल में तुम्हारी भावना को कौन समझे, और कौन ये बालिका बन करके आए और खीर बनाए? ये बालिका और कोई नहीं थी, ये स्वयं से राधा रानी थी। कहां राधा जी की सेवा करनी चाहिए, और राधा रानी आज उल्टा हमको सेवा करके गई। देख लिया, कभी मन में ऐसे इच्छा नहीं करना, लेकर राधा रानी को कष्ट होती है। इसलिए उस स्थान का नाम क्या है? तेरे कदप है उस स्थान का नाम। हमारा संप्रदाय में इतने भूरी भूरी प्रमाण है, इतने भूरी भूरी प्रमाण है। कृष्ण कैसे जब जब जैसे जैसे भक्तों ने भजन किया, उनको कृष्ण ने दर्शन दिया। देखो ये वृंदावन में कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं, ये 50-60 साल पहले घटना हुई, ये सत्य घटना है। बोले एक समय एक व्यक्ति की शादी हुई, उसकी पत्नी का नाम थी किशोर, लेकिन वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और बड़ी पतिव्रत नारी थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद में कोई एक बीमारी हुई, उसने अपना शरीर को त्याग दे दिया। अभी वो पति बहुत ही उसको प्रेम करता था, लेकिन जब पत्नी चली गई कम उम्र में, अभी पत्नी की चिंता करते करते हो गया पागल। पत्नी का नाम क्या थी? ईश्वरी। अभी उसने पत्नी की दुखी में दुखी होते होते भटकते भटकते किसी वृंदावन में आया, और रात भर नींद नहीं। बोले हाथ ईश्वरी तो कितनी अच्छी थी, हाँ किशोरी तो कहाँ चली गई, हाँ किशोरी। अभी रात भर किशोरी 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 चिल्ला रहा है, लेकिन वृंदावन में अब जाओ राधा रानी को सबके सब किशोरी कहते हैं, क्योंकि वो नित्य किशोरी है, वो कभी राधा रानी बुरी नहीं होती है। किशोरी बोल के सबके सब श्री राधा रानी को बोलते हैं। राधा रानी रोज नित्य लीला करती है, उनका रास चार तरह का रास है, एक बासंती रास, एक शारदीय रास, और एक महारास, और एक है नित्यरास। नित्यरास में रोज वृंदावन में उनकी रास होती है। जब राधा रानी अपना सखियों को साथ में लेकर के आई, इतने में ये तो पागल तो, हा किशोरी तू कितने अच्छी थी, हा किशोरी तू कहाँ चली गई, हा किशोरी। जैसे दो व्यक्ति का अगर एक नाम ना, अगर हम एक व्यक्ति को बुलाए तो दूसरा व्यक्ति आवाज देगा, क्या मुझे बुला रहे हो? अभी राधा रानी तो बड़ी ही दयालु, राधा रानी तो बड़ी ही कृपालु। अभी राधा रानी तो हाथ ईश्वरी सुन करके बोले, देखो ललिते, कोई एक मेरा भक्त आया है, देखो रात भर सोया नहीं और मेरे नाम को कैसे पुकार रही है। ललिता बोली, पागल तो चुप रह, तेरे को पुकार रही है। अरे उसको पत्नी का नाम ईश्वरी, वो देखने में बड़ी अच्छी प्यारी थी, बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। वो शादी के कुछ दिन बाद उसने शरीर छोड़ दिए, वो पत्नी की चिंता करते करते तो पागल हो गई, यहाँ पर आया, तेरे को नहीं मिला, तू चुप रहो। राधा रानी तो चुप हो गई, लेकिन वो बारंबार हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी बुला रही। फिर राधा रानी को कानों में वही किशोरी किशोरी, वृंदावन में तो किशोरी बोल के राधा रानी को सब जानते हैं, राधा रानी को रहा ही नहीं गया। बोले देख ललिता, हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ, उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, लेकिन किशोरी नाम है किसकी? ईश्वरी नाम मेरी है, लेकिन उसको दी गई ईश्वरी नाम, लेकिन नाम किसी को नाम मेरी है। अब आगे जा करके अजामिल का कथा सुनेंगे। उसने सबसे छोटा बेटा का नाम नारायण रखा, उसने बुलाया नारायण को, लेकिन बैकुंठ से विष्णुदूत आकर उनको रक्षा करते हैं, विष्णुदूत आकर उनको रक्षा करते हैं। बोले भले ही उसकी पत्नी का नाम किशोरी है, लेकिन वो आए मेरे धाम में और रात भर सोए नहीं, देखो कैसे चीख चीख करके से हाथ ईश्वरी कैसे पुकार रहे। जब तो उसको लेकर के आ गया, जब उन्होंने लेकर के आए तब राधा रानी उसको सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद की, था तो एक पागल, जब राधा रानी के हाथ स्पर्श हुआ ना, फिर दूसरा पागल हो गया। कहते ना, कोई पागल है धौल धन दौलत के, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने सारे पागल है ना, सब झूठा पागल है। लेकिन सच्चा पागल कौन है? जो पागल है श्री राधा रानी के, श्री बांके बिहारी के।
इसलिए जब तक पागल नहीं नहीं बना ना तब तक भगवान का दर्शन नहीं मिलता है। इसलिए एक दिन हमें पागल बनना ही पड़ेगा, लेकिन किस चीज में पागल है? प्रभु की प्रेम में एक दिन हमें पागल बनना पड़ेगा। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए श्री शांतिल ऋषि ने बज्रनाभ को बोला, देख बज्रनाभ कृष्ण कहीं नहीं है, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है, लेकिन भक्त जैसे जैसे उनको भजन करते हैं ठाकुर उनको वैसे दर्शन देते हैं। कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाती नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया यशोदा की जैसे तो सुलाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन हम ऐसे भक्त बने तब तो भगवान करेंगे। भक्ति भक्ति का कुछ नाम नहीं, बोले भगवान ने हमें दर्शन दे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए शांतिल ने कहा, देख बज्रनाभ भगवान की जो वास्तव की जो लीला है अभी भी ब्रज में पूर्ण रूप में है, लेकिन उसको कौन दर्शन कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तम् जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदांग मादि पुरुषम तमहम भजाम। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले कब प्रभु का दर्शन होगा? बोले जब इन आंखों में हम प्रेम रूपी अंजन लगाए, लेकिन हम कौन सा अंजन लगाए? काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष हिंसा कपट छल प्रपंच, ये चीज के काजल लगाने से प्रभु दर्शन नहीं होता है। बोले प्रभु का तभी दर्शन होगा जब प्रेम रूपी अंजन अपना आंखों पर लगाएंगे। बोले तुम प्रेम रूपी अंजन लगाओ, देखोगे वृंदावन कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण और कुछ नहीं दिखेगा, कृष्ण ही कृष्ण ही दिखेंगे। इसलिए उद्धव जब कृष्ण जब उद्धव जी को ब्रज में भेजे, वो उद्धव पहले बोल रहा था, बोले प्रभु कृष्ण में तेरे को छोड़कर कैसे ब्रज में रह सकता हूँ? बोले उद्धव तुम वहां जाकर के देखोगे 99% तो मैं वही और 1% यहाँ पर हूँ। सचमुच से जब उद्धव ब्रज में आए, भगवान जब माया पर्दा को हटा दिया ना, देखा चारों तरफ में कृष्ण 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 कुछ है ही नहीं, कृष्ण ही कृष्ण, उनको दर्शन प्राप्त हो गए। तब से शांतिल ऋषि कहते हैं, बोले देखो अभी भी तुम्हें कृष्ण दर्शन हो सकती है। बोले कैसे? बोले कृष्ण जब चले गए, उनकी जो लीला स्थली है वो धीरे 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 अंतर्ध्यान होते जा रहा है, इसलिए उनकी लीला स्थलियों को तुम प्रकाश करो, फिर भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर मिलेगी। फिर उन्होंने श्री परीक्षित महाराज शांतिल ऋषि को लेकर गए। कृष्ण जहां जहां पर जैसे जैसे लीला की थी, वो लीला का अनुरूप उन्होंने स्थान रखा है। अब 84 क्रोश में जाओ, जितने आप जगह का नाम सुनोगे ना, कृष्ण जैसे लीला की थी। एक स्थान का नाम कोसी, अब जब जाओगे वृंदावन जाओगे बीच में जगह आता है कोसी, तो कोसी नाम क्यों स्थान पड़ा? बोले दो कारण से, बोले वो था नंद बाबा का कोषागार, दूसरा कारण है को असी, ये एक संस्कृत शब्द है। बोले तुम कौन हो? एक समय से श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने आए, राधा रानी घर के अंदर में थी, श्याम सुंदर दरवाजा खटखटाए, राधा रानी कहते कोसी, बोले तुम कौन हो? कृष्ण, बोले मेरा नाम कृष्ण है। राधा रानी सोच रही थी आज कृष्ण को मैं ठगूंगा, इतने में राधा रानी बोले कृष्ण ब्रज में एक काला सांप होता है उसको कृष्ण सांप कहते हैं। बोले कृष्ण तुम काला सांप हो, मेरे को काट जाओगे, भैया मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। इतने में थोड़ी देर बाद में फिर कृष्ण खटखटाए, राधा जी बोली कोसी तुम कौन हो? कृष्ण बोले मेरा अनंत नाम है और एक नाम बोलता हूँ, बोले मेरा नाम घनश्याम है। बोले घनश्याम मतलब वर्षा में मेघ जैसे रुक गए। बोले घनश्याम कहाँ से आया? भैया यहाँ पर थोड़ी कोई खेती है, जहाँ पानी होगा वहीं पर चल जाओ, वहीं बारिश करा, यहाँ पानी की जरूरत नहीं। फिर कृष्ण खटखटाए, बोले कोसी बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम है चक्री, जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। बोले चक्री हमारे घर में थोड़ी कोई शादी विवाह है, अब देखना मिट्टी का जो बर्तन बनाते ना कि चट्टा होता है, इसको ऊपर में मिट्टी रख करके सब पात्र बनाते हैं। बोले चक्री
हमारे घर में थोड़ी शादी विवाह, जहां पर शादी विवाह वही चली जाओ, मिट्टी कलश की जरूरत होगा। कृष्ण अनंत नाम बताए, वो जितने नाम बता रहे थे राधा रानी उसके डबल डबल अर्थ कर रही थी। किसी तरह से ना कृष्ण राधा रानी को फेल नहीं कर पाए, राधा रानी दो दो अर्थ बना रही थी। इतने में कृष्ण बोले हे राधे मैं तो हार गया हूँ, तू जीत गई, अभी तो दर्शन सब। इसलिए हमारा नाम पड़ गया कोसी। अब जाते समय बीच में एक गाँव आएगा जिसका नाम है छत्रबल। बोले छत्रबल क्यों? बोले कृष्ण जहाँ राधा रानी की सर के ऊपर छत्री धारण किया और उन्होंने ब्रज मंडल में उन्होंने बताया आज से ब्रज का जो रानी है श्री राधा रानी। बोले श्री राधा रानी की। इसलिए ब्रज में जितने गांव देखोगे ब्रजनाथ ने कहीं एक कुआ खोदवा दिया, कहीं सरोवर बना दी, कहीं ठाकुर जी का चरण का चिन्ह को स्थापन कराए, फिर विशेष करके उन्होंने बहुत सारे ठाकुर को ने स्थापित किया और उसमें विशेष करके तीन ठाकुर हुए गोविंद 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 गोपीनाथ मदन मोहन केसर जी। कभी बज्रनाथ जो दादी थी उत्तरा वो बड़ी कृष्ण की प्यारी प्यारी कथा सुनाया करती थी। एक दिन बज्रनाथ मचले गए, बोले दादी जी हमारा जो दादा का कथा सुनाती हो वो कृष्ण कैसे हमें थोड़ा दिखा सकती हो? बोले तो कृष्ण तो चले गए। बोले तेरे को मैं मूर्ति बना करके दिखाऊंगी। तो उन्होंने अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को बुलाए, वो साक्षात रूप में दर्शन की उत्तरा ने। बोले ऐसे कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े, इनके बख्य स्थल कैसे, उनकी चरण कैसे, अच्छी तरह से वर्णना की। बोले ऐसे एक कृष्ण मूर्ति तुम बनाओ। तो मिस्त्रियों ने सारी कला को लगा दी। जब एक कृष्ण मूर्ति बन गई, बोले देखो आप जैसे बताया ये मूर्ति वैसे है। बोले नहीं ये मूर्ति पूरी नहीं है, कृष्ण का जैसे मुख कमल है ये मूर्ति में कृष्ण बोल मुख कमल आया। फिर वो ठाकुर का नाम रखा गोविंद दे। बोले और एक मूर्ति बनाओ। जब कंप्लीट हो गई, बोले बना है? बोले नहीं उनका बख्य स्थल जैसे बना उसका नाम रख दिया गोपीनाथ। बोले और एक मूर्ति बनाओ। बोले ये मूर्ति बनी? बोले नहीं उनका चरण जैसा आया इनका नाम रख दिया मदन मोहन। ये तीनों ठाकुर पहले वृंदावन में थे लेकिन ये मुसलमान राजा औरंगजेब जब उन्होंने आक्रमण करके हिंदू मंदिर तोड़ना शुरू कर दी, राजा जयपुर का जो मानसिंह राजा नाम सुने होंगे, उन्होंने सारे ठाकुर जी को वृंदावन से ले गए, लेकर के जयपुर में ले गए। लेकिन वहां तो दो ठाकुर आपको मिलेगा, जयपुर को ही गए हो, जयपुर कौन कौन गए? हाँ दो चार व्यक्ति गए। जयपुर में जो गोविंद देव मंदिर है कहते अगर वह ठाकुर को कोई दर्शन करे कहते कृष्ण का मुख कमल दर्शन करने का फल मिलता है। पास में गोपीनाथ जी का मंदिर, लेकिन केवल एक ठाकुर करौली में है। करौली में गए हो? कौन गए करौली? हाँ दो चार लोग गए, देखे होंगे मदन मोहन। बोले ये ठाकुर वहां वहां कैसे चले गए? ये जयपुर से वहां कैसे चले गए? बड़ी प्यारी कथा है। कहते राजा मान सिंह की एक बेटी थी, वो बहुत ही कृष्ण भक्ति थी। वो क्या करती थी, ये ठाकुर जी को अपना हाथों से मदन मोहन को श्रृंगार करती थी और उनको खिलाया करती थी, उनको भोग लगाती थी, सेवा करती थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई, राजा मान सिंह ने पूछा देख बेटी मैं दहेज रूप में जो देना तो मैं सो दूंगा, लेकिन तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो बताओ। बोले पिताजी मैं बचपन से ये मदन मोहन को मैं सेवा कर रही थी, ये ठाकुर का प्रति आप देखना जिसकी सेवा करोगे ना उसको साथ में तुम्हारे प्रेम मिल जाएगी, उसके साथ में प्रेम, उसके साथ से प्रेम हो जाती है, क्यों जिसको सेवा करोगे उसको तो प्रेम होगी। बोले भले ही मेरे को दहेज रूप में कुछ दो और मत दो, लेकिन हमें ये मदन मोहन ठाकुर को दे दो। बोले बेटी और कोई ठाकुर मान लो, लेकिन उनका नाम ही मदन मोहन, बहुत ही सुंदर ठाकुर थे। बोले बेटी और कोई ठाकुर ले लो, ये ठाकुर को मत लो, इनका प्रति मेरा बहुत प्रेम है। बोले पिताजी तभी शादी करूंगी जब ये ठाकुर को दहेज रूप में दो। अभी बेटी और पिता में लड़ाई हुई, बेटी कहती है तभी मैं शादी करूंगी जब ये ठाकुर को दो, पिताजी कहते नहीं और कोई ठाकुर ले लो, लेकिन बेटी को तो शादी देना ही पड़ेगा। बोले देख बेटी ये मदन मोहन को साथ में अगर इतने प्रेम है परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले सारे ठाकुर को मैं खड़े कर दूंगा, बहुत सारे ठाकुर वहां पर है, तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा, जिस ठाकुर को तू जाकर के स्पर्श करोगे वही ठाकुर मैं दूंगा। बोले ठीक है पिताजी। अभी रात भर उसने खूब ठाकुर जी के पास में खूब रोई। बोले ठाकुर जी मुझे पता कैसे चलेगा तू मदन मोहन, तू मेरी प्रेम को तू जानते हो। कहते ना दुनिया क्या जाने, मैं तो हो गई तेरी ये दुनिया क्या जाने।
देखो ठाकुर जी सपने में आए, बोले देख बेटी तुम्हारी प्रेम में मैं बसी हूं, एक काम कर लेना, जब पिताजी तुम्हारे आंख में कालापट्टी बांध देंगे तुम सारे ठाकुर में हाथ को लगाते लगाते आना, जब तुम मेरे पास में आओगे मैं तेरे हाथ को पकड़ लूंगा, लेकिन ये चीज को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगी और मैं समझूंगा। फिर बोलना यही ठाकुर तो घर चले जाते, फिर मैं मेरे को साथ ले जाना। वो इतने प्रसन्न हो गई, जयपुर के सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये राजकुमारी कौन सा ठाकुर जी को लेकर के जाएगी अपना ससुर घर में। सचमुच से जब आंखों में काला पट्टी बांध दिए, हाथ लगाते लगाते जब मदन मोहन के पास में आए ना, ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए, लेकिन ये चीज को वही केवल समझ रहे थे, ठाकुर जी मेरे हाथ को पकड़ कर रखे और कोई नहीं देख रहे थे। बोले पिताजी हमें यही ठाकुर देखो। राजा बोले भैया इसको पता कैसे चला, इतने सारे ठाकुर यहाँ पर, लेकिन उसको पता कैसे चला ये मदन मोहन है। खैर तो पिताजी इतने खुश हो, बोले बेटी तेरी जीत ही। फिर वो बेटी ये ठाकुर को लेकर दहेज रूप में ये गई मदन को करौली में, वहां पर भी विशाल मंदिर है, लाख लोग वहां पर, जितने अड़ोसी पड़ोसी के लोग लाख लाख वहां पर लोग आते हैं ठाकुर जी की दर्शन करने के लिए। इसलिए कहती है वज्रनाभ ने ये सारी ब्रज को, अभी जो जो स्थान वृंदावन हम देख रहे हैं, इसका नाम नंदगांव, इसका नाम बरसाना, ये गिरिराज गोवर्धन, कृष्ण यहीं पर रास किए, यहीं पर उन्होंने बंसुरी बजाए, जो जो कुछ दर्शन कर रहे हैं ये किसकी देन है, बोले श्री वज्रनाभ की देन है। अगर ये सब चीज को प्रकट नहीं करते ना, हमें कोई भी लीला स्थल के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। उन्होंने सारे वृंदावन को उन्होंने पुनर्प्रकाशित किया। जब प्रकाशित की एक दिन ये महिषियों ने देखा कृष्ण का 16,160 पटरानियां, ये कृष्ण विरह में बड़ी दुखी, लेकिन देखा ये यमुना है कालिंदी, वो बड़ी प्रसन्न है। बोले कालिंदी हम तो सबके सब कृष्ण विरह में दुखी, क्या तेरे को कृष्ण विरह तुम्हें नहीं है? बोले राधा जी की आशीर्वाद से हमें पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं है, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है, लेकिन कौन समझ सकता है? बोले जिसको परमेश्वर किशोर जी की कृपा हो केवल वही व्यक्ति समझ सकते हैं। महेश्वर ने बोले हम भी श्री राधा जी की शरण में जाएंगे, पर ये रहस्य अभी कौन बता सकता है? बोले एक व्यक्ति अभी है जो बता सकता है। बोले वो कौन है? बोले श्री उद्धव जी। बोले कहाँ पर मिलेंगे? बोले श्री गिरिराज की तलहटी में, वो घास बन करके भजन कर रहे हैं। गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए? हाथ उठा दो। अब देखना ठीक राधा कुंड से पहले वो श्री उद्धव कुंड है, जहां पर उद्धव जी वो घास बन करके अभी भजन कर रहे हैं। बोले वहीं पर सबके सब चलो, कृष्ण का सारी पटरानिया, श्री सांडिल्य ऋषि, गर्गाचार्य, वज्रनाभ, परीक्षित महाराज, सबके सब वहीं पर आए, आकर के सबके सब बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा हरि बोल, हरी हरी बोल, जय जय राधा।
तब उद्धव जी को महिषी ने कहा, उद्धव जी हम लोग कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, लेकिन कृष्ण तुम्हें ही ये ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, अभी तुम बताओ अभी कृष्ण मिलेंगे कैसे। उद्धव जी ने कहा, देखो मैं यही प्रश्न मैं कृष्ण को भी किया था, जब कृष्ण ये जगत छोड़ करके जा रहे थे मैंने भी यही प्रश्न की थी, लेकिन कृष्ण ने मेरे को एक रहस्य बात बताई। बोले देखो उद्धव, मैं तो ब्रह्मा का एक दिन में इस जगत में एक बार आता हूँ। कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा का एक दिन में। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है? कद 1000 चतुर्युग है। देखो हिसाब लगा, हम बता ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है और कृष्ण कब आते हैं, आप लोग हिसाब लगा। कभी कलयुग का जो परम आयु 432000 साल, और जो द्वापर युग का परम आयु उसका 2 गुना कर दो कितना होगा बताओ, कितना होगा? 864000। अभी ये तृतीय युग को कलयुग का 3 गुना कर दो कितना होगा बताओ, 12,96,000। अभी कलयुग को सत्य युग का 4 गुना कर दो बोलो कितना होगा, 1728। ठीक है, जितना हुआ है। अभी ऐसे जो पूरा के पूरा उसको मिला दो, मिला करके जितना साल होगा इसको कहते हैं एक महायुग, इसको एक महायुग कहते हैं। ऐसे 71 महायुग जो मिले तब एक होता है मन्वंतर, एक मनु जगत में आते हैं। कहते ऐसे अगर 14 मन्वंतर जब बीत जाए फिर तो ये ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतने लंबा मतलब करोड़ों करोड़ों साल जो बीत जाती हैं तब कृष्ण इस जगत में एक बार आएंगे। इसलिए हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर तृतीया में ब्रह्म राम नहीं आएंगे, हर कली में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, ये ब्रह्मा का एक दिन में एक बार इस कलयुग में आते हैं, सब समय ये प्रभु नहीं आते हैं। इसलिए उद्धव जी कहा, कृष्ण कहते देखो उद्धव जी अभी मैं आने वाला नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्मा का एक दिन में इस जगत में एक बार आऊंगा। फिर उद्धव जी फिर प्रश्न किया, अगर आपको कोई मिलना चाहते हैं फिर कलयुग में इसका उपाय क्या है? तब इसके उपाय स्वयं कृष्ण कहते, देखो उद्धव जी मैं तो एक स्वरूप में ये संसार छोड़ कर भी जा रहा हूँ, लेकिन दूसरे स्वरूप में इस जगत में रह गया। बोले प्रभु कलयुग में आप इस स्वरूप में रहोगे? बोले जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, बोले राधा विनोद बिहारी जी की, कहते जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है कलयुग में मैं ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में जगत में रहूंगा। इसलिए भागवत को बताया, बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजा महे भागवतम स्वरूपम। बोले भागवत क्या है? बोले तमादि देवम करुणा निदानम, जैसे कृष्ण स्वयं जैसे सर्व कारण का कारण है, भागवत भी कभी ये समस्त ग्रंथ का जो निचोड़ है, कभी ये श्रीमद् भागवत है। कभी अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं, बोले सबसे सरल उपाय किया, पर ये भागवत ग्रंथ का आश्रय करो, ये अपार संसार समुद्र से दूर, कभी ये समुद्र का तो कोई आर पार है, लेकिन हम जिस समुद्र में पड़े हुए हैं, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, पता नहीं कब से हम प्रभु को भूल करके आए, पता नहीं कब हमारा मुक्ति होगी, इसका कोई आर पार नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे, बोले अनायास में चलते 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 ये भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए भागवत को एक सेतु बताया, ध्यान बताया भागवत को। इसलिए कृष्ण स्वयं ये बात को मेरे को बता कर गए, कहते कलयुग में जो व्यक्ति भागवत कथा सुनेगा वही मेरे को साक्षात रूप में प्राप्त करेगा। इसलिए जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं, बोले कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात भगवान को साथ में हमारे मिलना हो रही, भगवान को साथ में हम स्वयं मिल रहे हैं। इसलिए बंगला में कहावत है, बोले हरि को थाए, मतलब हरि कहाँ है? बोले हरि कथाए, बोले हरि और कहीं नहीं, हरि केवल कथा में। इसलिए नारद जी जब भगवान से पूछे आप कहाँ कहाँ रहते हो, भगवान स्वयं कहते हैं ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनां हृदय न च मद्भक्ता चत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठा विनारद। नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में, मैं वैकुंठ में नहीं। दुनिया कहते योगियों का हृदय भी, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता। बोले कहाँ रहते हो? बोले जहाँ मेरे कीर्तन, जहाँ मेरी कथा होती है, मैं स्वयं वहीं पर स्वयं में विद्यमान रहता। इसलिए कृष्ण ये बात तो स्वयं मेरे को बोल कर गए। अगर कलयुग में ये भागवत कथा जो सुनेगा, कभी ये भागवत कथा से ही भगवान प्रकट होगी। इसलिए भागवत को बताया तेन अयम वांगमयी मूर्ति, भगवान सप्त ब्रह्म रूप में, ये ग्रंथ रूप में ये ठाकुर जी स्वयं यहाँ निवास कर रहे हैं। तब महिषी ने कहा उद्धव जी तेरी कथा में सुनाओ। ठीक है, हम कथा सुनाएंगे। हम लोग तो 7 दिन तक कथा सुनते खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने वहां पर 1 महीना तक कथा सुना। सॉरी महिषियां बैठी करके कहते जो पहला कथा है ना वहीं पर हुई, कुसुम सरोवर पे है। उस तरफ में कुसुम सरोवर है और इस तरफ में उद्धव कुंड है, वहीं पर उद्धव जी 1 महीना तक उन्होंने महिषियों को वहीं पर कथा सुनाई। जब भागवत कथा समाप्त हो गई, इतने में कृष्ण स्वयं राधा रानी को साथ में, अपना सखियों को साथ में यहाँ पर कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। फिर महिषियों ने कृष्ण को दर्शन की, दर्शन करते हुए कृष्ण विरह उनको फिर दूर हुए। इसका मतलब है अगर हम भी ये भागवत कथा सुनेंगे ना, ये कथा से हमें स्वयं ठाकुर जी स्वयं दर्शन प्रदान करेंगे, ठाकुर जी स्वयं हमें प्राप्त होंगे। उसी समय में श्री उद्धव जी कहते हैं महिषियों को, देखो मेरे जो गुरु जी, बोले उनको गुरु जी और बृहस्पति में एक कथा सुनाया था। देखो भागवत कथा कितना महिमा है। बोले मेरे को कथा सुनाए, जिस समय भगवान की दुनिया को सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने 3 देवता को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तब ब्रह्मा जी को बोले तुम सृष्टि का काम करो, शंकर जी को बोले तुम्हारे संसार का काम, और विष्णु को बोले तुम्हारे पालन का काम। जब बोले इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले आपका आशीर्वाद से ये सृष्टि तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, लेकिन ये रजोगुण से मुझे मुक्ति कैसे होगी, उस दुनिया को मैं चाहूं कैसे। बोले अगर ये भागवत को तुम 1 सप्ताह तक तुम श्रवण करोगे, ये रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं कर पाएगा, और भागवत कथा के प्रभाव से ये दुनिया का तुम सृष्टि कर सकते हो। भोले बाबा ने बोले प्रभु आप जो मेरे को काम दिया, ये संसार का, ये संसार का काम तमोगुण का काम है, ये तमोगुण का काम है, ये तमोगुण से कैसे मैं फिर मुक्ति मिलेगी। बोले देखो भोले बाबा तुम भी कथा सुनो और कथा सुना। इसलिए जब श्री शंकर जी कथा सुनाते हैं, कितना दिन तक जानते हो कथा खत्म करते, बोले 1 साल। बढ़िया करके व्याख्या करते हुए सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देकर के शंकर जी कथा सुनाते हैं, इसलिए उनको 1 साल लग जाती है ये कथा समाप्त करने के लिए। उसको बाद में फिर माता पार्वती स्वयं कथा सुनाती है, शंकर जी बैठ कर कथा सुनते हैं। बोले कितने दिन में खत्म करते? बोले 2 साल। शंकर जी जितने सुंदर व्याख्या करते हैं, माता पार्वती उससे भी सुंदर रूप में व्याख्या करती है माता पार्वती, और उनसे भी सुंदर ज्यादा कथा सुनाती है। 2 साल लग जाती है। शंकर जी ये भागवत कथा के प्रभाव से दुनिया को संहार कर रहे हैं। फिर अभी विष्णु आए, बोले प्रभु जी दुनिया को आपका आशीर्वाद है, मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करो? बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए जब स्वयं नारायण कथा करते हैं, फिर माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। कितना दिन में? कभी 1 महीना तक ये कथा सुनाती है। फिर माता लक्ष्मी जब कथा सुनाती है, कभी 2 महीना में ये भागवत कथा को समाप्त करती है, स्वयं नारायण बैठ कर कथा सुनते हैं। देखो जानते हो ये कथा के सबसे बड़ा श्रोता कौन है, आप बता सकते हो? अभी जो हम कथा कर रहे हैं, कथा का सबसे बड़ा श्रोता कौन है, आप बोल सकते हो? कहते ये ठाकुर जी है। कहते इनसे बड़ा श्रोता कोई नहीं है। बोले एक समय अब जयपुर में हम जो लोग गए होंगे, ये गोविंद मंदिर में कोई एक संत साल में एक बार आकर कथा सुनाया करते थे, तो वो संत कथा सुना करके चले गए। फिर 1 साल बाद में 2 बार, जब 2 बार आए तब उन्होंने सबसे पूछा, बताओ पिछले साल मैंने कथा कहाँ तक की थी, ये विश्राम कहाँ पर हुई थी, उसको बाद में फिर मैं कथा सुनाऊंगा, बताओ किसको याद है? भैया 1 साल पहले कथा सुनकर गए थे, अब भूल गए, किसकी याद नहीं। वो संत ने कहा लगता है यहाँ पर कोई सही श्रोता है ही नहीं, कोई कथा मन लगा कर कोई कथा नहीं सुन रहे हैं।
जब इतना बोले ना मंदिर को अंदर से आवाज आया, मतलब संत जी आप कैसे बता सकते हो यहाँ पर कथा सुनने वाले कोई नहीं, कथा सुनने वाला मैं हूँ ना, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कथा मैं सुनता हूँ ना, आपकी कथा यहाँ तक आपने कथा समाप्त की थी, इसको बाद में फिर आपकी कथा प्रारंभ हो, स्वयं ठाकुर जी आवाज दिए, स्वयं ठाकुर जी आवाज दिए, इसलिए कथा की जो सबसे बड़ा जो श्रोता है ये स्वयं ठाकुर जी सबसे बड़े श्रोता है, इनकी कथा में इतने आनंद इनकी कथा से। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में क्यों आए, कृष्ण कारण क्या, इसलिए आए हैं कृष्ण का अंदर में जो माधुर्य है, कृष्ण कितने सुंदर है, जिस सुंदरता को राधा रानी स्वयं पूर्ण रूप में आस्वादन करती है, इसलिए कृष्ण सोचते हैं राधा रानी मुझे तो दर्शन करके प्रेम में पागलिनी बन जाती है, दीवानी बन जाती है, दीवानी बन जाती है, लेकिन कृष्ण स्वयं जब अपना मणि पिलर में अपना परछाई को देखते हैं, कृष्ण कहते भैया ये कौन है, अपना परछाई देखकर कहते ये कौन है इतने सुंदर है, कृष्ण कहते काम राधिक, मैं कब राधा रानी बन करके ये स्वरूप में कब आलिंगन करूं, इसलिए गोपिया कहती है कन्या तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर रही, अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना कर लाला बना दिया, अगर तू तो लाली होती है ना पता नहीं कितने क्षत्रिय तेरे को खाने के लिए मर जाते, मतलब कृष्ण कहते ना बांके बिहारी की देख छटा, उसके बाद में मेरा मन हो गया लटा बटा है, इसलिए देखो ये भागवत कथा की इतने प्रभाव है, केवल ये भागवत कथा की प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु स्वयं जगत को पालन करते हैं और शंकर जी जगत को संहार करते हैं, ये भागवत कथा की इतने महिमा, कदी जो कथा है कदी स्कंध पुराण की कथा है, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, जोर से जयकार लगा, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, निताई गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कहते सुखदेव गोस्वामी जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, कहते ये तीन श्लोकों के द्वारा ये मंगलाचरण करते हैं, बोले भैया मंगलाचरण क्या है, अगर आप कोई भी घर में काम करो अगर मंगलाचरण को करते हुए काम करो तो काम बहुत अच्छे तरह संपन्न हो जाएगी, उसमें कोई बाधा विपत्ति नहीं आएगी, इसको कहते हैं श्री मंगलाचरण, इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, जब कोई बढ़िया काम होता था गुरु वर्ग में कोई तिथि बढ़िया काम, सबसे पहले मंगलाचरण गाते थे, कहते एक ग्रंथ हुआ है जिसका नाम गीत गोविंद ग्रंथ है, ये गीत गोविंद ग्रंथ का पहला जो भजन है इसको कहते हैं मंगलाचरण, कभी ये भजन में इतने शक्ति, वो भजन में अगर वो भजन में कोई गाए ना ठाकुर जी रह नहीं सकते, ठाकुर जी को जैसे गोपी गीत गाने पर ठाकुर कहीं भी नहीं रह सकते हैं, उनको वहां प्रकट होना ही पड़ता है, कभी ये गीत गोविंद गाने पर ठाकुर जी कहीं भी रह नहीं सकते, इसलिए जगन्नाथपुरी में वहां पर एक देवदासी होती है, देवदासी किसको कहते हैं, जो माताएं सारा जीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए रहे, साधी नहीं करी, केवल कृष्ण को ही अपना प्रियतम मान, वही हमारी प्रियतम है, काय मन वाक्य से उनकी सेवा करे, उनको देवदास कहते हैं, वे जब ये भजन को जगन्नाथ जी को जो उठाना होता है ये भजन सुनकर जगन्नाथ जी उठते हैं, जब जगन्नाथ जी सोते हैं ये भजन को सुने होगा जगन्नाथ जी सोए नहीं, जगन्नाथ जी के शरीर में वही चादर ओढ़ेंगे जिसमें ये भजन लिखा हुआ होगा, वही माला ठाकुर जी पहनेंगे जिसमें ये गीत गोविंद एक एक तुलसी पत्र में अगर लिखा हुआ हो ठाकुर जी, उसी को ही ठाकुर जी पहनेंगे, उसमें इतने महिमा, कहते वो देवदासी बैगन तोड़ रही थी और ये भजन गा रही थी और इसमें से राधा जी के नाम की महिमा, इतने में ठाकुर जगन्नाथ मंदिर ही छोड़ करके पहुंच गए वहां पर, और वो देवदास को पीछे 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 ठाकुर जी घूमते रहे, क्यों वो गा रही थी भजन को, जगन्नाथ जी का जो पीतांबर था जो फट गया, भगवान का शरीर में कांटा की दाग आ गई और चुपचाप आकर सो गए, जब सबेरे पुजारी दरवाजा खोले देखा सारे कपड़े फटे हुए, ठाकुर जी के शरीर में सब कांटा की दाग, राजा को बुलाए, राजा भगत है,
ठाकुर जी का चरण में लेट गए, ठाकुर जी ऐसे कैसे हो गया, आप कोई चिंता मत करो, कोई देवदास ही ये मंगला चरण गीत गा रहे थे, मंगल गीत जिसमें श्री राधा जी की महिमा है। कहते ना राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, कहते जहाँ राधा जी का नाम हो मैं तो रह नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं पहुंच गया था और बैगन तोड़ रही थी, उसको पीछे पीछे भजन सुन रहा था और इससे सारे कपड़े मेरे फट गए। अब चिंता मत करो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखो वो श्लोक होगा, हम दो उसका श्लोक हम पढ़ते हैं और राजा ने संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रचार किया, देखो ये भजन जहाँ था नहीं करनी चाहिए, वहीं पर ही भजन गाए। अगर जहाँ पर ठाकुर जी हो, जहाँ पर स्वयं कृष्ण जगन्नाथ जी हो, वहीं पर भजन गा जाए। इसलिए पुरी की आप पुरी से नृत्य कर देखे होंगे टीवी में, देखना तब भी ये भजन गोपुर में नाचती है जहाँ पर जगन्नाथ जी की विग्रह हो, नहीं तो ये भजन कहीं नहीं गाई जाती। ये उड़ीसा में ये नियम है, क्योंकि ठाकुर जी को फिर वहाँ भागना पड़ता है और ठाकुर जी यहाँ खड़े हैं, उनको भागने का कोई जरूरत नहीं। ये ठाकुर जी खड़े हैं और ये भजन सुन कर बड़े खुश होते हैं। उसका दो लाइन हम गाते हैं, आप पीछे पीछे गाइएगा। बोले जय जय दे बाहरे, जय जय दे बाहरे, जय जय दे बाहरे, जय जय दे बाहरे, आ जय जय दे बाहरे, जय जय I'm gonna make you mine.
चक्र की जय। जय श्री राधे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे थे बोले तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण किया। जो पहला श्लोक है कहते भगवान को साथ में हमारा क्या संबंध है। बोले जो दूसरी श्लोक है भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। और जो तीसरा जो श्लोक है कहते जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है। जो जो पहला श्लोक है बोले सत्यं परम धीमहि, कहते वो जो परम सत्य है वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। अब इसी विषय पर कभी ये श्लोक ऐसे ऐसे श्लोक है ना पूरी भागवत स्मरण है। इसमें कोई किसी की नाम नहीं दी गई, केवल इसमें विशेषण विशेषण मतलब केवल इसको गुण गुण बताई। इसने इसी श्लोक के ऊपर में लोगों का बहुत सारी शंका है। अभी जो शंकर जी को भजन करते हैं कहते भैया परम सत्य को बोले भोले बाबा। जो माता देवी को उपासना करते बोले परम सत्य पर बोले से माता जी। जो गणेश जी को उपासना करते बोले गणेश जी। अभी जो जिसको उपासना करते हैं वो तो अपना अपना इष्ट देव का नाम है। लेकिन यहाँ प्रश्न है लेकिन वास्तव रूप में इसकी किसकी नाम ली गई। एक संत हुए जिनका नाम श्री वल्लभाचार्य हुए कहते भैया इसमें और किसी का नाम नहीं, ये भागवत ग्रंथ का जो आराध्य देव है ये केवल श्री कृष्ण ही है, इसका कोई आराध्य देव नहीं। मतलब आप कैसे बता दिया कृष्ण। वो उदाहरण देते हैं जब कृष्ण देवकी की मातृ गर्भ में आए एक साथ में 33 करोड़ देवता भगवान की गर्भ स्तुति। वो गर्भ स्तुति का जो पहला श्लोक है बोले सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनीं निहितं च सत्ये सत्य सत्यं मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपद्ये। 33 करोड़ देवता स्वयं कह रहे हैं। इसलिए जो परम सत्य ध्यान की गई सारे देवता कहते अगर कोई परम सत्य केवल भगवान कृष्ण और कोई नहीं है। जो पहले भी थे अभी भी है बाद में जो पूर्ण रूप में रहेंगे वो कौन है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन कुछ रसिक संत लोगों में हमारे संप्रदाय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती एक भी है। बोले क्या भैया केवल कृष्ण भी ना और कौन है। बोले नहीं केवल कृष्ण नहीं और राधा रानी की उन्होंने स्तुति की। उसी में सत्य परम धीमहि वहां पर जो परम सत्य बताया कहते देवी कृष्ण मई प्रभुता राधिका परादेव। कहते कृष्ण की पराशक्ति कौन है। बोले श्री किशोर जी श्री राधा रानी। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, वृंदावन तो बांके बिहारी के स्थान है लेकिन वहां पर देखना कोई भी बांके बिहारी का नाम नहीं लेते हैं। वहां पर किसकी नाम लेते हैं जोर से बोलो और जोर से वृंदावन में सबके सबसे राधा जी का नाम लेते हैं। बोले क्यों वहां पर कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते हैं। वो राधा जी के नाम क्यों लेते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले रास सत्य कुर्बन तस्मात् तदामि भक्ति उत्तमम धास शब्द कुर्बन पश्चात भावि श्रवण लोकम। कृष्ण क्यों कह रहे हैं कहते केवल जो एक अक्षर रास शब्द बोल देते हैं। कृष्ण कहते भैया मैं तो चिंता में पड़ जाता हूँ उसको मैं क्या दूं। मैं राधा रानी का पहला अक्षर रा शब्द बोल दिया। कृष्ण कहते हैं ये रा अक्षर की इतने महिमा है ये विश्व ब्रह्मांड में हमें कुछ भी नहीं मिलता ये रा अक्षर में कुछ देने के लिए। कृष्ण कहते मैं खुद को खुद दे देता हूँ आज भैया तेरा हो गया। अगर कोई धा बोल दिया रा धा दो अक्षर कृष्ण कहते मैं तो उसको पीछे पीछे भागते रहता हूँ। जो जिधर जिधर चलता है ना मैं उधर पीछे पीछे चलता हूँ। इसलिए ये भजन गाते हैं बोले राधे राधे रंटो चले आएंगे बिहारी राधे रंटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रंटो चले आएंगे बिहारी राधा रानी बोली भारी
इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भैया अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अकेला माधव पूजे सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। अकेले कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए, जो अज्ञानी है वही केवल अकेले कृष्ण पूजा करते हैं, और राधा रानी का जो अनादर करते हैं तो भैया कबहुना कर विता कर संग चित्ते इच्छा से यदि ब्रज रस रंग। अगर तुम ब्रज भक्ति को पाना चाहते हो जो अकेले कृष्ण पूजा करते उनका संग मत करो, मना कर देते। अगर तुम रसम की उपासना करना चाहते हो क्या करो, राधा जी को साथ में से कृष्ण को भक्ति करो। इसलिए राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा, क्या होगा जोर से बोलो। इसलिए ये राधा रानी नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की ये श्री धारा है। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती राधा रानी के ऊपर में बड़ी एक श्लोक कहते हैं, बोले वैदग्ध सिंधु रसमूर्ति कृपाई का सिंधु बात्सल्य सिंधु अमृत छवि सिंधु लावण्य सिंधु रसमूर्ति सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे रस केलि सिंधु। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते राधा रानी कौन है, जैसे आप लोग ने सात समुद्र सुने ना, इखु समुद्र मधु समुद्र लवण समुद्र, ऐसे सात समुद्र है, कहते राधा रानी के अंदर में ये सारे समुद्र राज्य के अंदर में। अगर बात्सल्य सिंधु कौन है, बोले श्री ईश्वरी देव, बोले रस सिंधु कौन है, बोले राधा रानी, बोले वैदग्ध सिंधु कौन है, बोले श्री राधा रानी, कहते रसमूर्ति सिंधु कौन, बोले श्री राधा रानी, बोले श्री लावण्य सिंधु कौन, बोले राधा रानी। श्री राधे के सूरत में रस तेल सिंधु राधा रानी नहीं, वो स्वयं कृष्ण प्रेम रस की ये मूर्तिमान श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक नर्मदा ठाकुर हुए, कोई भी सुंदर भजन लिखते हैं जो हमारे संप्रदाय के जो भक्त लोग बोलो तो जानकर उसको दो लाइन में गा लेता हूँ। बोले राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर जीवने भरे गति आर नानी हो राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर जीवने राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जो जुगल है राधा कृष्ण ये हमारी प्राण है। कब ऐसे दिन आएगा जिनको रत्न सिंहासन पर बैठा करके सुंदर फूलों की माला बना करके दोनों को पहनाएंगे, दोनों को झूला पर झुलाएंगे, कब ऐसे दिन आएगा। इसलिए जुगल की ही उपासना करनी चाहिए, अकेले कृष्ण की नहीं। देखो भगवान का जो स्वरूप होता है ना, बोले सच्चिदानंद रूपायो, उनका तीन रूप है सत चीत और आनंद। बोले ये सत स्वरूप कौन है, बोले स्वयं संधि शक्ति का अधिष्ठात्री देवता सुधाव भैया। बोले चीत शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, बोले ज्ञान स्वरूप ये कृष्ण है। बोले आनंद स्वरूप कौन है, बोले श्री राधा रानी। जब ये तीनों मिलते हैं जाकर उनको एक स्वरूप होता है। अगर इससे आनंद घटा दो और सत घटा दो, बीच में क्या रह जाएगा, चीत रह जाएगा, वो केवल ज्ञान स्वरूप कृष्ण रह जाएंगे। अगर राधा रानी को हटा दो ना, फिर तो कृष्ण आधा ही रह जाएंगे। केवल एक ज्ञान स्वरूप में जिसको ब्रह्मवादी मायावादी जो एक निराकार ज्योति को उपासना करता है केवल वो रह जाएंगे, कृष्ण रस स्वरूप नहीं रहेंगे। रस स्वरूप कृष्ण तभी रहेंगे जब से राधा रानी पास में खड़ी हो, नहीं तो कृष्ण अपूर्ण है, पूर्ण कृष्ण
नहीं, इसलिए बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रसमात देखात्मना भूमि पुरा देह वेदो गतो तो चैतन्यक प्रकट मधुना तद्वयम् चैतमाप्तम राधा भाव दुख सुगलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कभी ये दो है नहीं, ये एक ही है। लेकिन जब वो लीला करने के लिए दो होते ना, बोले आपकी राधा साफी कृष्ण जा राधा कृष्ण है, सब जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा ही, कोई अलग नहीं है। बोले ये दोनों लीला करने के ना, जैसे उदाहरण देने से दिया है, जैसे देखना एक तेल एक जगह पर रहता है, उसमें दो दिया दो तरफ में जलती है, लेकिन तेल किया बोले तेल एक ही है, लेकिन एक तेल में दो दिया दो तरफ में जलती है, उसी तरह तेल एक ही है, वो देखने के लिए केवल दो लगते हैं, कोई अलग नहीं। इसलिए जो पहला जो ध्यान है, किसको ध्यान करते हो, बोले श्री जुगल सरकार को हम ध्यान करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण की, बोले श्री जुगल सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, सीताराम गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कहते मंगलाचरण में जो दूसरी श्लोक है, कभी भागवत प्रतिज्ञा करता है, देखो ये भागवत कथा का कितने महिमा। अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, बोले उसमें अभी है, मतलब प्राप्ति का उपाय क्या, बोले केवल भागवत कथा से ही कृष्ण मिलेंगे। देखो ये कथा की कितने महिमा, जैसे यहाँ कथा हो रही, जैसे कपिल और जिन तरुण ग्रह जैसे उनके पिताजी की आत्म के कल्याण के लिए कथा कर रहे हैं, अभी हम घर में बैठे हैं लेकिन कथा भी नहीं आई, घर में बैठे लेकिन पता चला या स्थान पर कथा हो रही है। अगर किसकी मन में इतनी सी केवल इच्छा हो जाए, मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, कथा भी नहीं आई अभी घर में बैठे हैं, इतना इच्छा मात्र से ही बोले सत्य हृदय अवरुद्ध अत्र कृति भी सुसुभी तत्क्षण, केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही। उदाहरण जैसे एक व्यक्ति खुद एक घर पर अंदर जाए और अपने आप को कुंडी बंद करके अपने आप को बंद करा दे, केवल यह सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी उस हृदय में जाकर के ऐसे फंस जाते हैं और खुद को खुद बंद कर देते हैं और उसका हृदय से निकलने का ठाकुर जी का रास्ता नहीं था। केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही अगर कोई सचमुच से आकर कथा में बैठ जाए, सुखदेव गोस्वामी कहते भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं जो आकर के सचमुच से ही कथा में बैठे। इसलिए भागवत की इतने महिमा, इसलिए एक श्लोक में तीन अत्र आया है। जैसे किसी बात को हम त्रिशत से बोलते हैं ना, तीन बार जो बोलते एकदम पता हो जाता है, इसमें तीन अत्र आए। बोले तीन अत्र कहां पर, धर्म प्रोजीत कैतव अत्र, अत्र मतलब ये भागवत में कोई धर्म अर्थ यहाँ तक भी मोक्ष की बात इसमें नहीं, शुद्ध रूप में जहाँ पर केवल भगवत प्रेम के निरूपण की गई। बोले सत्य हृदय अवरुद्धते अत्र विद्यम वास्तवम अत्रम, ये श्रीमद् भागवत में वास्तव तत्व जो भगवान की जो प्रेम है केवल इसी को ही निरूपण की गई है। कभी अभिनय किया है भगवान को पाने का, केवल भगवत कथा सुनो। बोले इसका प्रयोजन क्या, अगर हम ये कथा सुनेंगे 7 दिन तक फिर हमें मिलेगा, ये भागवत हमें क्या देगा। बोले भैया ये भागवत नहीं, कहते निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाथ अमृत द्रव सत्यम पीवत भागवत रसमालयम मोहरा रसिका भूभावुका। आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, बोले क्या कर रहे हो, बोले आप कल्प वृक्षों को नीचे बैठे हो, ये कथा नहीं है, ये कल्प वृक्षों को नीचे। बोले भैया कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो गुरु जी एक उदाहरण देते थे कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। बोले एक समय कोई एक राजा जंगल में वो गया शिकार खेलने के लिए, अब ये बहुत दूर उसने पहुंच गया तो उसको इतने प्यास इतने भूख लग रहा था, हो गया शाम, उसको पता नहीं था ये वृक्ष कल्प वृक्ष है। इतने में वो वृक्षों के नीचे बैठी करके सोच रहा है, भैया अगर राजमहल में होता है ना, हाँ वहां पर कितने दासियां कितने सुंदर जूस ला करके मेरे को पिलाती, यहाँ पर कहाँ मिलेगा वो वृक्ष, कौन सा वृक्ष था,
वो कल्प वृक्ष था, उसको पता नहीं था ये कल्प वृक्ष था। जब उसने केवल इतना इच्छा की ना, देखा सचमुच से बड़ी सुंदर सुंदर कांस उतर को आए और बड़ी सुंदर सुंदर जूस ला कर ले महाराज लो ये जूस पियो। बोले भैया इच्छा करते मिल गया। फिर सोच रही है अगर ये राज महल है तो रानी छापा न भोग और छत्री से बैठे को सुंदर करके यहाँ पर सामने जब इतने इच्छा जी सचमुच से देखा बड़ी सुंदर सुंदर अपसरा था उतर का ही और छापान भोग छत्री से बैठे सामने रख दिया। बोले भैया जो इच्छा करे वो मिल जाता है। सोच रहा है अगर राजमहल में होता तो बड़े सुंदर जतंत पलंग को जिसमें गजदंत पलंग ऊपर में हमें कितना सुंदर एकदम बड़ा मखमल वाला कपड़ा से कितना सुंदर पलंग मिल जाता। देखते सचमुच पलंग आ गया। फिर सोच रहा है इतने में वो था जंगल अंधकार था तो सोने के लिए जा रहा है। बोले भैया ये जंगल में कोई शेर बाघ तो है नहीं क्यों गुफिया को हम जा रहे वो गुफिया कल में गिर गया है कहीं यहाँ पर शेर बाघ है नहीं जंगल में सो होना शेर बाघ अगर खा नहीं जाए तो बस। उसने जब देखा शेर नहीं आ गया देखा सामने शेर आ गया। बोले ये मेरे खा नहीं जाए इतने में झपट मारा उसको खा लिया। का मतलब है आप जो मांगो वही वृक्ष आपको वही दे देता है वही दे देता है। देखो श्रील विश्वनाथ ठाकुर की बहुत अच्छी बात कहते हैं अगर आप भागवत कथा सुन करके सांसारिक की वस्तु जो मांगोगे नौकरी नहीं नौकरी दे देगी बढ़िया शादी हो जाए शादी करा देगा। अगर मांगोगे बेटा की तबियत खराब तबियत सही हो जाए हमको ऐसे मकान दुकान मिल जाए कहते भागवत कथा तो इसको आसानी से ही दे देते हैं आसानी से ये दुनिया की वस्तु आसानी से दे देते हैं। लेकिन एक चीज मांगो ना उसको भी देते हैं लेकिन सोच विचार करके देते हैं। मतलब वो क्या चीज है अगर भगवत प्रेम अगर मांगोगे भगवान की भक्ति मांगो वो भी तो मिल जाएगी लेकिन ये भागवत सोच विचार कर देते हैं। बोले क्यों बोले जो भक्ति है जब ठाकुर जी जिसको भक्ति देते हैं ना ठाकुर जी उसको प्रेम में बसीभूत होना पड़ता है ठाकुर सहज जिसको साथ में बसीभूत होना नहीं पड़ते। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया मतलब ये संसार की वस्तु मत मांगो मांगना तो भगवत प्रेम मांगो। एक सुंदर उदाहरण देते हैं बोले कोई एक गरीब ब्राह्मण था उसके पास में एक गैया थी। बेचारा गरीब ब्राह्मण उन्होंने धर्म कुबेरे को उन्होंने उपासना की सारे रुपया पैसा के जो मालिक है अभी वो प्रसन्न हो गया। बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो। लेकिन बेचारा गरीब ब्राह्मण बुद्धि भी गरीब है। बोले कुबेरे जी अगर आप संतुष्ट है ना मेरे को पास में भी गैया है खाने के लिए कुछ चुना भूसी दे दो। बोले पागल अरे मैं इतने दौलत तेरे को दे सकता हूँ तू भी खा तेरे बेटे भी खा तेरे बेटे भी खा कभी संपत्ति खत्म नहीं होगा इतने मैं तेरे को दे सकता हूँ लेकिन मेरे को क्या मांग रहे हो गैया को खाने के लिए चुना भूसी। देखो ये चीज को समझो अगर हमने ये दुनियादारी कोई चीज मांग लिया नौकरी नहीं नौकरी करा दो शादी नहीं हो रही शादी करा दो मकान ठाकुर दे देंगे लेकिन जैसे चुना भूसी मांग लिया ना कुबेर से ऐसे ऐसे ही चुनाव से मिल जाएगी और वो आगे की चीज कोई चीज मिलेगा नहीं। जैसे बच्चे होते हैं ना जब बच्चे होते कोई रो रहा है भैया उसको बहकाने क्या कोई खिलौना दे देता है कोई ट्रॉफी दे देता है तो क्या करता है उसको लेकर मत हो जाता है। लेकिन जो बच्चा किसी तरह से मानता नहीं फिर भैया उसको गोद में लेते फिर भैया उसको क्या करते गोद में ले लेते जो खिलौना लेकर के जाए नहीं संतुष्ट नहीं हुए। उसी तरह भगवान भी वो दुर्लभ वस्तु तुम्हें प्रदान करेंगे जो प्रेम इतने दुर्लभ है वो इतने दुर्लभ वस्तु जिसको पाने से चिरकाल के लिए हमारे जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए हम मुक्त हो सकते हैं वो क्या है भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। एक संत एक सुंदर उदाहरण दे रहे थे ऐसे एक चीज मांगो जो एक चीज से सब चीज मांग मिल जाएगी। कोई अंधा था उसने शंकर जी को उपासना की जब शंकर जी प्रसन्न हुए बोले बेटा वर मांगो लेकिन वो पहले सोच करके आया था शंकर जी से तीन वर मांगूंगा लेकिन शंकर जी ने कहा मांगा तो एक चीज एक वर मांग सकते हो दो वर नहीं। बोले मैं तो सोच कर आया था तीन वर मांगूंगा। बोले नहीं जो कुछ मांगना एक वर से मांग सकते। वो पहले क्या सोचा था शंकर जी अगर खुश हो जाए ना पहला चीज मांगूंगा मेरे को आप दे दो दूसरी चीज मांगूंगा मेरे की किसी सुंदर लड़की से कुछ शादी हो जाए तीसरी बार मांगूंगा कुछ धन दौलत मिल जाए पहले ही सोच करके आया था। लेकिन शंकर जी ने क्या कहा एक बार से तुमको सब कुछ मांगना पड़ेगा लेकिन बड़ा चतुर निकला। बोले कोई बात नहीं
उसने कहा मैं अपना बेटे को राज महल के ऊपर में हाथी को पीठ के ऊपर बैठे हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखा। शंकर जी तो बोले बाबा रे राज महल गोबर में हाथी गोबर कौन बैठता राजा सोनी कटोरी में बैठाएगा राजा महाराजा। फिर बेटे को देखू बोले बेटा कब होगा जो शादी हो जाए बोले देखेगा कब जो आग मिले। शंकर जी तो मान गए भैया दोबरा बुद्धिमान निकले। हाँ देखो भगवान से ऐसे एक चीज मांग लो जो एक चीज मांगो ना जीवन में हमें सारी चीज मिल जाएगा कभी भगवान की प्रेम। इसलिए जब हनुमान जी से ये चीज सीख लो जब हनुमान जी को भगवान राम प्रसन्न हुए माता सीता को उधार करके ले आए भगवान बहुत प्रसन्न हनुमान जी से बोले हनुमान अगर तू नहीं होता है ना ये माता जानकी को उधार होना कठिन हो जाता। कई वजह से हुआ ब्रह्मा को देखो हनुमान से ये चीज सीख लो। हनुमान जी क्या चाहते हैं बोले बार बार ब्रह्मा गो हर सीते हो श्री रंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। हनुमान जी कह रहे हैं हम सत्संग भगवान की चरण की अनुपायिनी हरित भक्ति प्रदान करो। इसलिए भागवत नहीं है कल्प वृक्षों को नीचे हम बैठे हैं जो मांगोगे अभी सोच लो क्या मांगना है अभी आपको पर निर्भर करता है क्या भागवत से 7 दिन तक सुनकर क्या मांगोगे आप ही समझ लीजिए ठीक है। कदी भागवत किया है बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम कदी वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है बोले भैया ये पका हुआ फल को क्या करो बोले इसको खूब पियो बोले पहले ही बता दिया फल है फल को खाते हैं ना फल को पीते हो बताओ तो खाते हैं आप कह रहे हो पियो बोले ये ऐसे के फल है हर फल में तक छिलका और गुठली होता है इसमें छिलका भी नहीं इसमें गुठली नहीं वो केवल रसी रस है इसलिए इसको पियो। देखो ये कैसे दिव्य चीज है जब कोई चीज हम पीते हैं आप किधर से पीते हो मुंह से ना किधर से पीते हो मुंह से लेकिन ये जो रस है इसको मुंह से पी जाती है किधर से पी जाती है किधर से पी रहे हो कानों से पीते हैं। देखो कानों में और मुंह में पीने का क्या फर्क है आप जो मुंह में पियोगे ना वो नीचे निकलेगा ही आप रोक नहीं सकते हो लेकिन कान में जो चीज पियोगे वो कभी निकलने वाले नहीं इसलिए उसको खूब पियो। बोले भैया कब तक पियेंगे बोले जब तक तुम पीते 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 बेहोश नहीं हो जाते जैसे कि शराब भी कब तक पीता है जब पी 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 कर जब तक वो बेहोश नहीं हो जाए तब तक वो पिएगा लेकिन फिर जब बोले जब उठो बोले फिर पियो छोड़ना नहीं है चीज को जब उठो तब पियो। बोले भैया पीते तो है लेकिन सब इधर पीते और इधर निकल जाती है हाँ इधर निकल जाती है। देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ इसका उत्तर देना जैसे कि कलसी हो कलसी में छेदी छेद है अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा उसमें निकल जाएगा लेकिन ऐसे क्या उपाय है भले ही कलसी में जितने छेद क्यों नहीं हो लेकिन एक बूंद भी नहीं निकलेगा लेकिन पूरा ही छेद ही छेद लेकिन ऐसे क्या उपाय है उसमें कुछ डालो ना कभी निकलने वाले नहीं है बता सकते हो ऐसे क्या उपाय कौन बोलेगा हाथ उठा पहले जो सुने तो बता देंगे। हाँ देखो क्या उपाय है उसमें पूरा छेद ही छेद है लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा क्या उपाय है बोलो क्या उपाय बोलो समुद्र उसमें नदी में ही डाल दो इसका एक उपाय है उसमें भले ही जितना छेद हो अगर उसमें पानी में ही डुबो करके रखो फिर उसमें फिर निकलेगा कोई चीज फिर निकलेगा नहीं इसलिए इसमें यही बात कह रहे हैं हम तो सुनते हैं एक कान से लेकिन निकल जाते हैं दूसरे कान से लेकिन उपाय किया बोले मुंह रहो मतलब ये कथा को पीते रहो अगर इसको पीते रहोगे ना तुम्हारे अंदर में जितने काम क्रोध लोभ मोह क्यों नहीं हो एक बूंद भी निकलने वाले नहीं। देखो इसका प्रमाण देख लो जैसे हम लोग यहाँ पर पी रहे हैं वो कथा रस को पी रहे हैं जितने भी सभी का हृदय में कामना वासना है काम क्रोध लोभ है लेकिन अभी किसको काम सता रहा है ना किसको लोभ सता रहे ना किसको लोभ मोह सता रहे अभी किसको सता रहे हैं अभी जितने भी हमारी अंदर में सारी चीज है लेकिन ये चीज नहीं सताती है इसका मतलब है महाप्रभु कहते हैं गुरुदेव जब हमारे हृदय में कृष्ण मंत्र रूपी बीज देते हैं अगर उसमें पानी नहीं दोगे ना वो 2 दिन बाद में मुरझा जाएगी। गमला में जैसे कोई लता है कब तक वो कल्पना रहेगी
जब तक उसमें पानी होगा, अगर पानी नहीं दोगे फिर ज्यादा दिन रह ही नहीं सकती, मुरझा जाएगी। फिर उसी तरह अगर हर समय हम भक्तों की संग करते रहे, भगवत कथा सुनते रहे, भले ही जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो वो निकलने वाले नहीं, भरी रहेगी। इसलिए बोले मुंह रहो, बोले भैया रसों को पी सकते हैं, बल्कि दो ही व्यक्ति पी सकते, सब नहीं पी सकते। वो दो व्यक्ति कौन है? बोले एक रसी और एक भावुक है, एक रसी है एक भावुक है। केवल ये दो व्यक्ति ही कथा रस को पी सकते, इसी कथा रस को सभी नहीं पी सकते। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं बोले भैया कथा रस को कौन पी सकते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर इसलिए भागवत आशीर्वाद क्या देती है? ये आशीर्वाद यही देती है, गोपियां जैसे भगवान भजन की है, यह भजन ही जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, गोपियां जैसे कृष्ण को भजन की है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। एक भजन सुन लो, इसको देखो, जल्दी इसको देखो, तुम एक अलग भजन लिख रहे हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, ब्रज समुद्र मथुरा कमल, मां वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब
अब तो चाहे ही मेरे मन की, अब तो